फैक्ट नंबर 1। गाइस आज का था रेगिस्तान कभी समंदर हुआ करता था। जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। जैसलमेर के बांदा गांव में मिले भेल, शाक और मगरमच्छ के दांतों और कछुए के मिले अवशेषों के आधार पर इस बात की पुष्टि की जा सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि थार रेगिस्तान के रेगिस्तान बनने का किस्सा प्रभु श्री राम से जुड़ा है? जी हाँ गाइस, कहा यह जाता है कि जब प्रभु श्री राम को अपनी सेना लंका ले जानी थी, तब उन्होंने समुद्र से रास्ता छोड़ने के लिए 3 दिन तक समुद्र की तपस्या की। लेकिन उनके दर्शन न देने पर श्री राम को क्रोध आ गया और उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर दिया। तब समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और प्रभु श्री राम से क्षमा मांगी। अब श्री राम का गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन धनुष पर चढ़े ब्रह्मास्त्र को वापस नहीं ला जा सकता। तब समुद्र देव ने श्री राम से कहा कि मेरे उत्तर में द्रुम्यातुल्य नाम की एक जगह है, जहां ढेर सारे राक्षस रहते हैं जो मेरे जल का दुरुपयोग करते हैं, आप उनका विनाश करें। इतना सुनते ही प्रभु श्री राम ने उसी दिशा में अपना बाण छोड़ दिया और कहा कि अब ये जगह मरुस्थल में बदल जाएगी। नंबर 2। गाइस, क्या आप जानते हैं कि इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे अब तक कोई भी भारतीय नहीं तोड़ पाया है? जी हाँ गाइस, दिनेश कार्तिक एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर के दौरान 12 कप्तानों की कप्तानी में क्रिकेट खेला है, जिसमें सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल जैसे कप्तान शामिल हैं। और तो और, दिनेश कार्तिक को क्रिकेट खेलते हुए इतना समय हो चुका है कि वो उस समय 23 साल के हरभजन सिंह के साथ भी क्रिकेट खेल चुके हैं और आज के 23 साल के अर्शदीप सिंह के साथ भी क्रिकेट खेल रहे हैं। वैसे गाइज, आपके हिसाब से दिनेश कार्तिक को अब कब तक क्रिकेट खेलना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा।